कैसे मेरे प्लेयरों, कैसे हो? खास तौर पर बाबर भैया, अब इंग्लैंड के खिलाफ हमारे टीम का स्काउट का ऐलान हो गया यार। उधर भी बढ़िया करना, बड़े बड़े शतक ठोकना सहम यू भैया, तू भी चैंपियन कम में तो बड़े बड़े ठोके। अब भैया किसी तरह इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जितवा दो। अरे शान भैया, कुछ नहीं होगा, जो प्लेयर बढ़िया खेले चैंपियन कप में हमारी टीम में आने चाहिए थे, वो आए नहीं। फिर देखो सरफराज अहमद को रख दिया, इधर तो नहीं है, कामरान गुलाम नहीं लाए, और बढ़िया प्लेयर थे बढ़िया खेले, उनको टीम में रखा नहीं, वही सारे प्लेयर दे दिए फिर। अरे रजवान मिया, 15 प्लेयर है ना प्लेइंग 11 में, तो 11 होंगे ना, 11 तो बढ़िया करके आए ना, बस तुम 11 बढ़िया करना जैसे करके आए, लुल नहीं होना, बाकी सरफराज का कोई फायदा नहीं हो ना हो, क्योंकि उसको कौन सा हमने खिलाना है प्लेइंग 11 में। अरे शान मिया क्यों टेंशन लेता है, इंग्लैंड से जीतेंगे वो भी 3-0 से, सब बढ़िया करेंगे चैंपियन कप में, बढ़िया करके आइए। देखो प्लेयर कैसे भैया बेचैन खेलने के लिए, तुम कप्तान नहीं बस ढंग से कर लेना, क्यों शान भैया गेंदबाजी में जलवा दिखाएगा ना तुम भी। बाबर भैया हमारा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम मैच पे फोकस ही नहीं कर रहे, हम तो ये खिलौने लेके आया, अपने बच्चे को कैसे खिलाना बस यही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बाकी भैया मेरी गेंदबाजी के भरोसे नहीं रहना, तुम बल्लेबाजी बढ़िया करना या और गेंदबाज रख लेना। अरे बस कर शाइन भैया, तेरे को वैसे भी नहीं खिलाएंगे, शाइन भैया इसको नहीं खिलाना, इधर मेरे को देखो, मैं दूध शूद पी के तैयार हो रहा हूँ, ऐसा खेलूंगा, वैसे यार मैं गेंदबाजी भी कर लेता हूँ, स्पिन चैंपियन कप में क्या टेस्ट मैच में भी करूंगा देख लेना। हाँ शकील भैया मैं भी गेंदबाजी कर लेता हूँ, 5-5 विकेट चैंपियन कप में मैंने भी ली, अब गेंदबाज गेंदबाजी करे ना करे, विकेट ले ना ले, कोई टेंशन नहीं है शान भैया, बेफिक्र हो जा, हम ही जीतेंगे, क्योंकि हम अकेले इंग्लैंड की टीम को लुल कर देंगे, टेंशन नहीं। और शाइन भैया तू भी बेफिक्र हो जा, तेरी भी जरूरत नहीं है, तू और खिलौने ले या अपने बच्चे को खिलाने की तैयारी कर, इंग्लैंड को हम दोनों ही देख लेंगे, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। शकील भैया दूध आता बचा के मेरे को भी देना लगता, मेरे को भी थोड़ी कमजोरी है, दूध पिला दे। अरे शकील के बच्चे दूध का फीटर इधर रख लिया, खुद पी रहा है, अबे भूतनी के मैंने तेरे को बोला ये मेरे बच्चे को दे क्या, अबे भूतनी के मेरा बच्चे को खिलौने के साथ दूध भी पीना है, तू भूतनी के इधर रख के बैठ के खुद पी रहा, चल उसको दे के, नहीं तो मारूंगा। अरे बस कर शैन भैया, एक घूट था, हमने सोचा चलो हम भी पी के देख लेते, वैसे भूतनी के घर में दूध और भी होगा, फीटर में दे आता हूँ, वैसे मैं तेरा नौकर थोड़ी हूँ, वैसे भूतनी के मैंने तेरा दूध नहीं पिया, नीचे देख मेरे पास अपना बोतल भरा हुआ है। अरे ससुर के नाती शर्म करो, ये क्या बच्चों की तरह लगा रखा है, दूध बूध पीने से छोटे बच्चे को जरूरत होती है भूतनी वालों, इधर हिम्मत से खेलना पड़ता है, वैसे ताकतवर चीजें खानी चाहिए, जैसे मैं इस डब्बे में भर के लाया हूँ, देखना अब मेरा कमाल। अरे बसकर जमाल मियां शर्म कर, भूतनी के खाली डब्बा सामने रखे टेंटे कर रहा है मेरे डब्बे की तरफ, देख सामने माल साफ नजर आ रहा है, एक नंबर पेवर ताकत वाला माल, जिसको खा के मैं इंग्लैंड के खिलाफ भैया धूम मचा डालूंगा, तुमको खाना है तो अपना ले आओ, मेरे से नहीं मांगना। अरे बस करो ससुरी वालों, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, शान भैया मुझे लगता है इनसे कुछ नहीं होगा, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, केवल इंग्लैंड के खिलाफ तेरे को जलील और रुसवा ये रज के करेंगे, देख लेना तेरे को भी चुल मची थी फोकट में फेले ली कप्तान। बाबर भैया ये कप्तानी मिली नहीं, हमने खुद मांग के लिए, ये कुछ करे ना करे हम कुछ करेंगे, बेशक हमको वो दवा ना खानी पड़े जिससे खाने से ताकत आती है, वो खा के भैया हम अकेले 400-500 बनाएंगे, सब मैच जीतेंगे। अरे शान भैया वो दवा भूल के भी नहीं खाना, इससे बढ़िया ऐसे खेल लेना, हार जाओगे बेइज्जती होगी, कप्तानी जाएगी तो और तो कुछ नहीं होगा, वो दवा खाओगे तो पकड़े जाओगे, क्रेडिट खत्म, बेइज्जती अलग से होगी भैया, जलील हो जाओगे, कभी क्रिकेट ही नहीं खेल पाओगे। हाँ शान भैया रजवान सही कह रहा, वो दवा खाओगे भैया इज्जत किचरे में मिल जाएगी, थू थू हो जाएगी, क्रेडिट खत्म हो जाएगा, लेकिन वो दवा खा के भी आपसे घंटा नहीं उखड़ेगा, लुल्ल हो लुल्ली रहोगे, हारोगे और रन एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि हो ही लुल्ल जो कुछ मर्जी खा। अरे बस करो ससुरी वालो, शर्म करो, ना समझते हो ना ऐसे ही बस ठोक देते, अबे वो दवा क्यों खाएगा, वैसे मैंने बोला कोई ताकत वाली अच्छी सी दवा खाऊंगा जिससे बदन तंदुरुस्त हो जाए, चुस्ती आ जाए, थोड़ा सा लंबे लंबे छक्के लगे, ठीक है। अरे बस कर शान भैया शर्म कर, हमको हंसी आ रही है, सब तेरे पे हंसेंगे, इसलिए उल्टी सीधी बातें ना कर, तेरे से हमको एक आवत याद आ गई, गई जवानी वापस नहीं आती, बेशक लक खुड़ा का कहिए, तेरा अब कुछ नहीं हो सकता, तू बस समझ जा निकल जा। अरे शर्म कर शकील मियां, बुड्ढों वाली कहावत हम पे फिट कर रहा है, अभी तो भैया हम यंग हैं, 5 मैचों में कप्तानी की है, तुमसे उम्र में 1-2 साल बड़े होंगे, देखने में ऐसे लगते हैं, लेकिन टेंशन नहीं है, इस मैच में अपना जलवा दिखाएंगे और सबूत देंगे अपनी जवानी का और कप्तानी का।
अरे बस करो यार, शान भैया के सामने ऐसे बोलते भूतनी वालों, शर्म करो। वैसे भी वो हमारा कैप्टन है, लेकिन भूतनी वालों मेरी बात कान खोल के सुन लो। सब एकजुट होके खेलना है, एक दूसरे को ताने देने बंद करो और इंग्लैंड से जीतना, ठीक है? एकजुट हो जाओ। हाँ बाबर भैया, समझाओ समझाओ इनको, ताकि इनको कुछ शर्म आए, एकजुट होके खेल लें, कप्तान की भी इज्जत करें और सब आपस में एक हो जाएं। वैसे मेरी गेंदबाजी और बल्ला चल गया ना तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टीम में एक का होना जरूरी है, समझा दो। अयू भैया, हम वैसे ही शान भैया से मजाक कर रहे थे और इनकी टांग भी खींच रहे थे, ताकि ये भी ससुर का नाती कुछ शर्म कर ले, बढ़िया बल्लेबाजी कर ले। वैसे हम सब एकजुट होके खेलेंगे और दुनिया को हैरान कर देंगे, जब इंग्लैंड को 3-0 से पेल के भेजेंगे इधर से। हाँ सही है शकील भैया, हमको पता है तू बढ़िया खेलेगा, लेकिन कई बातों बातों में भूल के मेरे बच्चे के दूध का फीटर नहीं पी जाना। चल उठ, अब अपने भतीजे को दूध का फीटर दे के आ, और हम भी तेरे पीछे पीछे आते हैं उसके खिलौने लेकर, ठीक है? भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।